जो लोग भी दुबई में जॉब सर्च करने के लिए आ रहे हैं या फिर आने वाले हैं, तो उनको मैं बता दूं कि उनके पास सिर्फ और सिर्फ यही 2 महीने हैं। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी फरवरी स्टार्ट हो गई, आज 1 फरवरी। लोगों ने कमेंट्स किया था इस बारे में कि मुझे मार्केट कंडीशंस जानी है कि क्या है अभी जॉब की, तो मार्केट कंडीशंस वैसे ही जैसे पहले थी, लेकिन आने वाले समय में ऐसी नहीं रहने वाली, क्योंकि आने वाले समय में फरवरी मार्च के बाद जो कि इस्लामिक कंट्रीज़ का जो बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है रमदान, वो स्टार्ट होने वाला है। वहाँ से वर्किंग हावर्स कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से जॉबों में थोड़ी सिटी कम हो जाएगी, क्योंकि जब वर्किंग हावर्स कम होगा वर्कलोड भी कम होगा, काम भी कम हो पाएगा। आफ्टर रमदान वो एक लेवल में आ जाएगा, लेकिन करंट सिचुएशन में ऐसा कुछ नहीं। करंट सिचुएशन में जैसे पहले जॉब अवेलेबल थी वैसे ही जॉब अभी अवेलेबल हैं, लेकिन आने वाले 1 से 2 महीने बाद ऐसा कुछ नहीं। 1 महीने तक आपका पूरा वो शांत होने वाला है, फिर उसके बाद थोड़ा चीज़ें सही होने में थोड़ा और समय लगेगा, यानी कि 1.5 महीने का समय और लगा। अगर कोई प्लान कर रहा है 3 महीने के लिए, तो अगर अभी आ सकता है तो ठीक है, उसके बाद अगर वो लेट करेगा कि नहीं चलो फरवरी बाद चलते हैं या फिर लास्ट फरवरी में चलते हैं, तो उनको थोड़ा सा समय लग सकता है। क्यों? क्योंकि उनके पास सिर्फ 1 ही महीना बचेगा, मार्च। अप्रैल में रमदान आ जाएंगे, और रमदान में ये नहीं कह रहा मैं कि रमदान में आपको जॉब नहीं मिलेगी, जॉब मिलेगी, चांसेस थोड़ा कम हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही रहेगी कि अगर जिसको भी जॉब के लिए अप्लाई करना है, आना है, मेहनत करो, कोशिश करो, अभी करंट सिचुएशन में, करंट टाइम में, यानी फरवरी मार्च में ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करने की कोशिश करो HR ऑफिसों में, ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑनलाइन अप्लाई करने की कोशिश करो, तक HR डिपार्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा आपकी CV पहुंच सके, ताकि चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएं आपकी जॉब के लिए। तो ये छोटा सा वीडियो मेरे उन भाइयों के लिए था जो करंट सिचुएशन जानना चाह रहे थे जॉब के बारे में। तो फिलहाल अभी यही है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर माई दिस वीडियो।